ओके सो हे गाइस, वस्सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। फिर उसके बाद गाइस, आप सभी को करना है कि आप सबको चले जाना है ऐड फोटो में। एंड यहाँ से गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस, आप सभी को उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने हैं। आप सभी को क्या करना है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आपको मॉडल को कुछ इस टाइप से अपने मतलब अपने हिसाब से आपको रख देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी को उसका मॉडल का डुप्लीकेट कर लेना है। एंड मॉडल को गाइस सेम साइज़ में रख देना है। एंड फिर उसके बाद गाइस, आप सभी को मॉडल को यहाँ से लेके चले जाना आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में। एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको गाइस इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में जाकर इसका अमाउंट जीरो करके एंड ऊपर से मर्ज कर देना है। फिर नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लेना है एंड यहाँ पे आपको डन कर देना है। फिर उसके बाद आपको चले जाना है इसको लेके रेजर टूल में, यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है। एंड ब्रश को सिलेक्ट करना है, इसके हार्डनेस को जो कम कर देना है, ओपेसिटी थोड़ा कम कर देना है, साइज़ को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको सिंपली अपनी फोटो को जूम कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, जहाँ से या मतलब कि आपको टेक्स्ट जो दिख रहा है गाइस आप सभी को फोटो में, वो मतलब कि फ्रेंडशिप डे वाला, आप सभी को सिंपली उस साइड में आप सभी को ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट पेंट करना है, ठीक है। उस तरफ में थोड़ा बस इतना इतना ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा गाइस कि मतलब कि जो उसका जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ रहा है, तो इससे रियलिस्टिक सा एक लुक आएगा। तो आप सबको ये जरूर करना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको जहाँ से ब्लेंडिंग मोड में जाकर इसको स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको उसका डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको सेम साइज़ में रख देना है। एंड अगर गाइस आप सबको इसकी ओपेसिटी अगर ज़्यादा लगे, तो आपको इसको सिंपली ओपेसिटी इसकी कम कर देना है यहाँ पे, ठीक है, अराउंड 60 तक। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली डन कर देना है, ठीक है। एंड डन करने के बाद आप सभी को यहाँ से ऐड फोटो में जाकर आप सभी को कहिए कि पीएनजी में दे दूंगा मैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको उसको ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई रख देना है। एंड उसके बाद सिंपली आपको सेम वहीं पे अपने मॉडल के नीचे कुछ इस टाइप में शेडो के तरह कुछ ऐसे रख देना है। एंड उसके बाद आप चाहो तो उसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको शेडो को कुछ इस टाइप से इतना रख देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। अब आप सभी का इतना काम तो हो जाता है यहाँ पे। अब आप सबको क्या करना है, आप सबको दोबारा ऐड फोटो में जाने की पीएनजी और दूंगा मैं गाइस आप सबको विग्नेट का। आप सबको इसको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली डन कर देना है, देखिएगा जिस पीएनजी से भी काफ़ी चेंजेस आए हमारी फोटो में। तो अब क्या करना है आप सभी को, अब आप बात आती है कलर क्वेश्चन की। तो पहले तो हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे हमारे लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में जाने के बाद हम फोटो को ऐड करेंगे एंड यहाँ से आप सभी को फिर जाना है लाइट वाले ऑप्शन में। इसका जो गाइस कॉन्ट्रास्ट है इसको आपको बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट है इसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। एंड गाइस जो शेडो है इसको आपको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड जो गाइस वाइट है आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आपका जो ब्लैक है इसको आपको छेड़ना नहीं गाइस, इसको आप एक काम करो आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है 10 तक। एंड उसके बाद कलर्स में जाकर आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड इसका जो गाइस टेम्परेचर थोड़ा माइनस कर देना है। एंड चले जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। एंड चले जाना येलो कलर में इसका ह्यू माइनस कर देना है एंड सैचुरेशन भी माइनस कर देना है। फिर जाना ब्लू कलर में इसका ह्यू माइनस एंड डार्क ब्लू में जाकर अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो आप सैचुरेशन कम कर देना, अगर चाहिए होगा तो सैचुरेशन बढ़ा देना। फिर पर्पल कलर का माइनस सैचुरेशन कम करके एंड उसके बाद नीचे टू वाले टूल में जाकर आपको क्लियरिटी को बढ़ा देना है एंड फोटो में जाकर बिगिनर डाल देना है। एंड उसको नीचे स्क्रॉल करना आपको ग्रीन अमाउंट मिल जाएगा, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस है गाइस इसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड गाइस जो नोड डायरेक्शन आप सभी उसको बढ़ा देना है एंड नीचे आपको मिलेगा कलर नोड डायरेक्शन आप सभी उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।